भाई आप कांतारा मूवी तो जरूर देखे होंगे, है ना? फिल्म ही कुछ ऐसा था जो किसी की नजर में नहीं आया होगा, ऐसा तो नहीं है? तो गाइस, कांतारा मूवी को लेकर के बहुत दिनों से एक बात उठती है। आपको पता होगा कि बॉलीवुड से किसी एक्टर को लिया जाएगा कांतारा 2 में बोल करके। ओके, तो आपके जहन में कौन से एक्टर आते हैं कि ऐसी फिल्म में, एक से एक रीजनल फिल्म में कौन से एक एक्टर जुड़नी चाहिए, बॉलीवुड से कौन जुड़ने चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई पंकज उदास बोल रहा हूँ, ओके, पंकज त्रिपाठी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। वो एकदम से पूरा खा डालेंगे फिल्म को, बहुत अच्छा करेंगे। उसके साथ साथ उनके साथ साथ और कौन हो सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आ सकते हैं, है ना? तो गाइस, अगर इन दोनों का नाम और भी ऐसे एक्टर जितने भी हैं बॉलीवुड से, अगर इस लेवल के एक्टर के आप अगर जुड़ मतलब ये सोच रहे हो कि ऐसे कोई आ सकते हैं बोल करके, तो उसका अपडेट आ चुका है कि कांतारा 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही जुड़ने वाले हैं। जी हाँ गाइस, अभी अपडेट आ चुका है कि कांतारा 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया जा रहा है, शायद वो विलन के किरदार में आ सकते हैं, क्या होगा पता नहीं। तो सॉरी, तो कांतारा 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया जा रहा है, और इसकी जो शूटिंग है, कांतारा 2 का शूटिंग जो है वो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, मतलब जून से इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, और फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2024 के अप्रैल या फिर मई बताया जा रहा है। ओके, तो मतलब एक साल तक, अभी मई के लास्ट में शुरू हो रहा है, और मई के लास्ट में या फिर अप्रैल में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, आपको ये अपडेट कैसी लगी, मतलब कांतारा 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस लेवल के एक्टर हैं, ऐसे फिल्मों में एकदम से पूरा जान भर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेना एकदम से बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से। आपको कैसा लग रहा है कि उनको लेना, मतलब उनको जो अप्रोच किया गया है, अभी जो फिल्म में लिया जा चुका है कांतारा 2 में, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जोड़ना, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।